नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट से भी अच्छा पिज्जा घर में आसान तरीके से बिना ओवन और घर में उपलब्ध चीजों से बनाना बता रही हूँ। ये जो आप डिलीशियस पिज्जा देख रहे हैं, यही मैंने आज बनाया है। तो इस तरह की और भी रेसिपी सीखने के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दो पिज्जा बनाने के लिए लिया है पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, मक्के के दाने, हाफ टी स्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, फ्रेश दही आधा बाउल, 100 ग्राम आटा, 200 ग्राम मैदा, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, पिज्जा सॉस, चीज, मक्खन, आवश्यकता अनुसार पानी। चिली फ्लेक्स खड़ी लाल मिर्च से बना सकते हैं और ऑर्गेनो सीजनिंग आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसे जरूर डालें। आधी छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल। चीज को बारीक कर लें। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। इन्हें काट लिया है, आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल शेप या फिर लंबा, इस तरीके से आप काट कर रख लें। दो पिज्जा बेस बनाने के लिए 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम आटा लें। मैदा आटे से दोगुना रहेगा। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी। ये बेस मार्केट में मिलने वाले बेस से अच्छा बनेगा। आधा बाउल फ्रेश दही का यूज किया है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। यहाँ विदाउट ईस्ट के पिज्जा बेस तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप दही का जरूर यूज करें, इससे पिज्जा बेस बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे अच्छे से गूथ लें। प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा। थोड़ा थोड़ा करके जरूरत अनुसार ही पानी डालें। इसे नॉर्मल गूथना है, ज्यादा गीला नहीं करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा ऑयल लेंगे जरूरत अनुसार, ज्यादा नहीं, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद जब पिज्जा बेस बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पिज्जा विदाउट ओवन के बिल्कुल देसी स्टाइल से कढ़ाई पे बना रहे हैं। आप कढ़ाई या कुकर कुछ भी ले सकते हैं। इस पे नमक डाल दें बेस में। इसके बाद इस तरीके से स्टैंड लें। इस स्टैंड को आप उल्टा या सीधा किसी भी तरीके से रख सकते हैं। यदि आपके पास यदि स्टैंड नहीं है तब आप कटोरी का यूज कर सकते हैं। इस कटोरी को ऐसे बीच में रख लें। अब कढ़ाई को ढक दें और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे गरम होने दें। कढ़ाई गरम हो रही है तब तक हम पिज्जा बेस तैयार करते हैं। इस डो से आपके दो पिज्जा बेस बनेंगे। ये देखिए, इसे इतना मोटा लेना है। बेलने के लिए चौकी में थोड़ा सा मैदा डालें और फिर इसे गोल बेलें। इसे एक सा बेलें, कहीं मोटा पतला ना हो। बेस मोटा ही होता है, ध्यान रखें आप। इस तरीके से साइड से देखेंगे तो इस तरीके से मोटा दिखेगा। पिज्जा बेस तैयार करने के लिए आप इस तरीके का बर्तन का यूज कर सकते हैं, जो आपकी कढ़ाई या कुकर में आसानी से आ जाए। किसी भी प्लेट या गहरे ढक्कन का यूज कर लें। यहाँ थोड़े गहरे बर्तन का यूज किया है। अब इस प्लेट में अच्छे से मक्खन लगा लें, पूरे में अच्छे से फैला लें, अंदर पूरे अच्छे तरीके से लगा लें मक्खन को। मक्खन लगाने में आप कंजूसी ना करें, मक्खन का यूज यही करते हैं। फिर इसके बाद जो बेलकर रखे हुए हैं बेस को, ये देखिए इसकी मोटाई इतनी लिया है, साइड से देखिए मोटा दिख रहा है, इसको इसमें डाल दिया और साइड से हल्का सा पुश कर देंगे। एक बराबर गोलाकार कर दें इस तरीके से। इसमें छेद कर लें इस तरीके से, ताकि बेक करते टाइम ये फूले ना और बेस अच्छा बनकर तैयार हो। ये पिज्जा सॉस घर पर तैयार किया है। ये वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। इसे आप ज्यादा मात्रा में लगाएं और अच्छे तरह से लगाएं।
एक मोटी लेयर बनाएं जिससे आपके पिज्जा का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये चीज़ घर पर तैयार किया है। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें। चीज़ को सभी तरफ अच्छे से फैलाएं। इसे आप डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये पनीर भी घर पर बना है, इसका वीडियो ऊपर आई बटन पर है। जो भी डिज़ाइन पसंद है वैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। डोमिनोज पिज़्ज़ा हट से भी अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होने वाला है। इसमें 1 टीस्पून ऑरिगिनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स स्वाद अनुसार डाल लें। पिछले 15 मिनट से कढ़ाई गर्म हो रही थी, इसमें पिज्जा को मीडियम फ्लेम में बेक होने के लिए रख दें। 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में बेक होने दें। चाहे तो आप बीच में एक बार खोलकर चेक कर सकते हैं। पच्चीस मिनट बाद इसे ओपन किया, बढ़िया से बेक हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से पिज्जा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। डिलीशियस पिज्जा तैयार है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।